आज की खुशखबरी जो आपके दिलों को फिर से आपकी पसंदीदा आवाज से मुतारिफ करवाएगी, जुनैद दरो के साथ इज बैक टू स्क्रीन। मुझे कोई तस्वीर नहीं खिंचवानी। अरे क्यों नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उठो। प्लीज मेरा हाथ छोड़े, मैंने कहा मुझे कोई तस्वीर नहीं खिंचवानी। अरे उठो, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें तस्वीर खिंचवाने के लिए। मेरा हाथ छोड़े। क्यों छोड़ो तुम्हारा, जब मैं कह रहा हूँ मैं तुम इसके साथ तस्वीर खिंचवानी है तो चुपचाप यहाँ खड़ी हो जाओ। मैंने चार हूँ मैं तुम्हारा। नहीं हो तुम मेरे शोहर, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, समझी? तुम एक घटिया इंसान। घटिया इंसान हो तो ठीक है, जाओ आजाद करता हूँ तुम्हें, तलाक देता हूँ, तलाक तलाक देता हूँ तुम्हें। वो होता कौन है, दो टके का सिंगर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला? तुम अगर अपनी बीवी को पब्लिक प्लेस पर बेइज्जत करोगे तो सब करेंगे यही। तो क्या करूं, शौहर तो मानती नहीं हो मुझे अपना, उसको अपने साथ ये ले घूमू क्या? वो तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि इस एनजीओ के सीईओ है। तुमने अंदर किसी अपनी बीवी को, गुलाम को, लौंडी को नहीं मारा, एक सीईओ को मारा है। पता नहीं इसके दिमाग का भूसा बार बार आग क्यों पकड़ लेता है। आप दोनों लड़ते रहेंगे, चली गई है सोया, जा चुकी, कोई बात ये हमें सड़क पे ले आएगा, कोई कसर नहीं उठा रखी इसने। इसने फिर उसे तलाक दी है। तलाक की फिक्र मत करो, कोई गवाही नहीं देगा, बस तुम उसे जरा संभाल के रखो। मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर वो सिंगर बीच में नहीं आ रहा तो ये तमाशा खड़ा नहीं होता। तुम दोनों के बीच वो कैसे आया? मैं सोया को, बस तुम्हारे तलाक देने पर आया वो। अब ये मत कहिएगा कि आपको तलाक का गवाह मिल गया, मैं जानता तक नहीं हूँ सिंगर। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो, गलत किया तुमने। और एक बात सुन लो, जोया अगर घर पे नहीं आई ना तो अपने घर वापस मत आना, ओके? आओ। क्या कर रहे हैं, अभी तो बीमारी से उठे हैं, मुश्किल से दिल संभला, अब क्या आंखों के पीछे भी पड़ गए? इस शैतान की बहन के सामने बैठने की क्या जरूरत है? भाई जब बीवी को सामने बैठने का वक्त नहीं होगा तो उसकी बहन के सामने ही बैठूंगा ना। क्यों तंज कर रहे हैं, अभी तो दवा खिला के गई थी आपको। क्यों एहसान जता रही हो, क्यों मेरी इतनी खिदमत कर रही हो, क्या तुम्हें अब खुदा का खौफ हो रहा है? जाओ अपने कमरे में जाके इबादत करो, कुछ लोगों की नींद भी इबादत होती है। ऐसी बातें करते हैं ना आप, तभी तो इतनी मुश्किलें आती हैं आप पर। भाई कुछ नेक लोगों के साथ इस घर में गुनाहगार लोग भी तो रहते हैं। और सुन, कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ देना, शायद मुझे भी थोड़ा बहुत सवाब मिल जाए। Thank you.
आते ही जुनेद ने दे दिया एक पैगाम, एक शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी पर जुल्म करते हमारे जुनेद नहीं देख सकते, और उसे सबक सिखाकर सबको दिया पैगाम कि औरत के साथ ऐसा सलूक करने वाले के साथ भी ऐसे ही पेश आना चाहिए। जुनेद ने एक नए रूप में अब लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ये सब क्या हो रहा है टीवी पे? अरीश तुम कहाँ हो? प्लीज जहाँ भी हो मुझे लेने के लिए आ जाओ अभी और इसी वक्त। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए। तो ठीक है जाओ आराम करता हूं तुम्हें। तलाक देता हूं, तलाक, तलाक देता हूं तुम्हें। जुनेद, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो यार? वहां प्रेस और मीडिया वालों ने मेरा दिमाग खा लिया है। तुम्हें क्या जरूरत थी इस मामले में पढ़ने की? तो क्या चाहता है? क्या करता मैं भी सबकी तरह खड़ा होकर वहां पर तमाशा देखता। तूने भी अपनी आंखों से देखा कि वो घटिया आदमी सबके सामने किस तरह जोया को जलील कर रहा था। अरे उसने हाथ उठाया जोया पर। तो क्या हुआ? वो उसका शौहर है, थप्पड़ मारे उसे जान से मार दे। नो, तलाक दे चुका है वो उसको। मैं नहीं पता जो अब कितना बड़ा इशू होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में कोई भी अगर जोया पे हाथ उठाएगा ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। तुम शायद भूल गए हो हम क्या प्लान करके यहाँ वापस आए थे। अरे तुम 10 शो के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और टीवी की न्यूज के बाद ना सारे स्पॉन्सर्स के कॉल आना शुरू हो गए मेरे पास। You know what, man? I don't give a damn. क्योंकि मुझसे अब नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम और कुछ नहीं। अरे लंदन में जोया का चैप्टर क्लोज कर चुके हैं हम, डिसाइड हो चुका था। जोया तुम्हारा पास्ट है यार। हाँ मेरा पास्ट है, वो मेरा पास्ट है, लेकिन वो पास्ट आज मेरे सामने कैसे खड़ा हो गया? अब मैं क्या करूं? सुनीत प्लीज यार रिलैक्स यार, अब हम जोया के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो जाने उसके घर वाले जाने यार। तुम्हें जरा भी अंदाजा है? कुछ और बातें जहन में है। सना की आज फ्लाइट है, उसे लेने के लिए भी जाना है। अरे वो ये सब कुछ देखेगी तो क्या सोचेगी यार? पता नहीं, पर मैं ना जैसे उस लम्हे में कैद होके रह गया। मेरी आंखों के आगे से वो मंजर जाता ही नहीं है। मैं क्या करूं तू बता यार। जुनेद प्लीज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। तुमने बड़ी मुश्किलों से गाना शुरू किया। जुनेद मुझे डर है ये सब बना बनाया हुआ तुम फिर से कहीं दाव पे ना लगा दो। देखो बासु, मोहब्बत के खेल में सिर्फ नुकसान होता है और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि इस खेल के अंदर कामयाबी सिर्फ नसीब वालों को मिलती है, और हम तो खुद जगह जगह अपना नसीब बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। चल अच्छा खड़े हो शाबा। मैं मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चल यार बस छोड़ दे। अरे बोला ना नहीं जाना यार। चलो चलो कम जल्दी से। आते ही जुनेद ने दे दिया एक पैगाम, एक शादीशुदा मर्द को अपनी बीवी पर जुल्म करते हमारे जुनेद नहीं देख सकते, और उसे सबक सिखाकर सबको दिया पैगाम कि औरत के साथ ऐसा सलूक करने वाले के साथ भी ऐसे ही पेश आना चाहिए। जुनेद ने एक नए रूप में अब लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हेलो
जी सर, हाँ मैं भी देख रहा हूँ। जी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मीडिया का प्रोपेगंडा है, जुनेद को प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, भला वो सीईओ के साथ कैसे झगड़ सकता है। जी मैं वहां मौजूद था, मैं जी हाँ घर आके मैंने देखा है अभी, अब मैं पता करता हूं। डोंट वरी, आप आराम करें, मैं आप नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं अपने एनजीओ पे कैसे हाथ आने दूंगा। जी सर, ओके ओके, मैं अभी कॉल बैक करता हूं। बंद करो उसे, बंद करो, और उसको फोन करो उसके दफंगे को, मैं यहां सूली पे लटका हुआ हूं और वहां लहराता फिर रहा होगा। आ जाएगा, लेकिन ये टीवी वालों ने क्या जुल्म किया है हमारे साथ? तुमने जुल्म नहीं किया, वो दिखाएंगे ना, हमारी बहू इस एनजीओ की मालिक है। बहू? अब कहां है वो बहू, तलाक हो गई है उसको। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए, वरना जबान बंद रखनी चाहिए। मैंने तो पहले कहा था कि जोया को साथ न लेके जाएं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। कैसा तमाशा हुआ देख लिया ना। हाँ। पता नहीं आगे क्या हो। एक बार जोया घर वापस आ जाए तो फिर ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। ओह माय गॉड, अब पता नहीं कौन आ गया, अब तो झूठ बोल बोल के झूठ भी खत्म हो गए। तुम तो माहिर हो झूठ बोलने में, बात करो। हेलो, अख्तर बोल रहा हूँ, बहुत देर से आपका नंबर मिला रहा था, मगर इंगेज मिल रहा था। अच्छा, शायद मैं बात कर रहा था। अब अख्तर साहब कैसे हैं आप? मैं आ नहीं सका आपसे, आपकी तबीयत पूछने के लिए, बहुत मसरूफियत थी। नहीं नहीं, अब तो तबीयत मेरी ठीक है, आपसे एक बात पूछनी थी। वो जोया कहाँ है? जोया और अदनान तो सो रहे हैं। और अदनान 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 कहाँ है? जी जी घर पे है, क्यों खैरियत? वो टीवी पर एक क्लिप चल रही है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। क्लिप? कौन सा क्लिप? भाई वो किसी होटल में हंगामा हो रहा है और मुझे लगता है कि वो जोया और अदनान है। नहीं नहीं अख्तर साहब, आपको गलतफहमी होगी। भला आधी रात को कौन बाहर जाता है, और वो अपने कमरे में सो रहे हैं दोनों। अच्छा अच्छा, अगर आप चाहें तो मैं जोया से बात करवा दूं उठा के। उन्हें जगह है नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ओके ओके, खुदा हाफिज़। वाह जुनेद साहब वाह, आते ही आप तो बस कमाल कर दिया, छा गए आप तो। तूने देखा ना किस तरह मेरी वजह से जोया का नाम उछाला जा रहा है। शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया। अरे भाई क्या जरूरत थी ये सब करने की, मियां बीवी का आपस का मामला है। तुम शोर नहीं है अब वो उसका। अच्छा तो तुम अपना चांस समझ रहे हो। वो शौहर नहीं है उसका तो तुम भी उसको कुछ नहीं लगते। यार खुदा के वास्ते इन सब चक्करों से दूर रहो और किसी स्कैंडल में पड़कर हमारी जान अजाब में मत कर देना। जान तो मेरी अटकी हुई है जोया में। जी नहीं, ये जबरदस्ती का फोबिया आपने सवार किया है और कुछ नहीं है। यार हमारा ना सही, सना का सोचो, उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। भीख मांगने के दिन आ गए थे, डोंट फॉरगेट। तू ही बता क्या करूं मैं? जब जोया मेरे सामने आती है ना तो बिल्कुल बेबस हो जाता हूं मैं।
खुद के अख्तियार में कुछ नहीं रहता, और जितने वादे मैंने आपसे किए थे ना, उससे कई ज्यादा वादे मैंने खुद से भी किए थे। यार भूल जाओ सारे वादे, सिर्फ एक वादा याद रखो, अपने मकसद का वादा। औरत का मतलब ही है भूल जाना। तुम क्यों याद रखकर अपनी जान को मुश्किल में डालते हो? क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को? अच्छा चलो शाबाश, उठो, जैमिंग का टाइम होने वाला। नहीं अभी मेरे सर में दर्द हो रहा। अच्छा तो सर में दर्द हो रहा, तो सर का दर्द तो आपका समय ही खत्म करेंगे। अरे यार क्यों करता है तू? डोंट कॉल हर प्लीज, नहीं कर, फंसी। डोंट वरी, वो परेशानी खत्म करने वाली लड़कियों में से है। डॉक्टर नहीं है वो, फंसी, प्लीज डोंट कॉल हर, फंसी। हेलो सना, आई एम फाइन। अच्छा तुम कहाँ हो? हाँ सामने ही बैठा है। तुम पहुंच गई हो? ए सना, Oh my God, I miss you so much. Hi. तुम्हें क्या हुआ है? यार किससे? Obviously तुमसे और किससे? Thank God, मुझे लगा मैं इतनी अच्छी हूँ तो मैं दोबारा तुमसे प्यार हो गया। हाँ हाँ। I have a surprise for you. What surprise? Wow. Here you go, take it. We are back to our life. Thank you. Seen the card, it's a nice card. Thank you. आप सबसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने दोनों लड़कों के लिए इस्तखारा किया था, लेकिन जुनैद का इस्तखारा अच्छा नहीं आया तुम्हारे लिए। अदनान ही है तुम्हारे नसीब में। मत झूठ बोल मुझसे और अपने शौहर से। कालदा इस धोखे से निकला। शादी के बाद ये प्यार सिर्फ शौहर के लिए होता है, ये उसके साथ बददियानती है। अख्तर के साथ बेवफाई, अख्तर के साथ बेवफाई सिर्फ हवस है, गुनाह है। अम्मा ये हवस नहीं है, सच्चा प्यार है। ये मुझे जानी है, ये गुनाह है और इसकी माफी भी नहीं है। अम्मा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिससे मेरा दिल का रिश्ता ना हो? मुझे उसी से प्यार है, मुझे उससे मिलने जाना है। खुदा का खौफ कर, खौफ कर खुदा का, मत जा, मत जा। अम्मा मैंने आपके कहने से शादी तो कर ली, लेकिन मैं प्यार उसी से करती हूँ, वो मेरे इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दे। अम्मा खुदा के वास्ते रुक जा, देख मेरी बहुत तबीयत खराब है, मेरे पास रुक जा, मेरी रूह को सुकून मिले, मत जा मुझे छोड़ के। अम्मा मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अम्मा मैं उससे कैसे इनकार कर सकती हूँ? बस मुझे जाने दें। अम्मा मैं उससे मिलके फौरन आ जाऊंगी। बस अम्मा मैं भी Thank you.
लाए लाडू। अम्मा 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 मैं आ गई, अम्मा मैं आ गई, मुझे माफ कर, अम्मा मैं आ गई, मुझे माफ कर, अम्मा मुझे माफ कर, मैं आ गई हूँ अम्मा, मुझे मुझे माफ कर अम्मा, अम्मा बात बहुत अहम हो गई है जोया, तुम्हारे साथ जुनैद का भी नाम। हम अभी ऑर्डर देते, तमाशा बन गया एक। जुनैद इतने अरसे बाद मेरी जिंदगी में आया, मैंने उसे फिर से मुश्किल में डाल दिया यार। देखो ये बहुत अच्छा हुआ है कि अदनान ने तुम्हें इस बार सबके सामने तलाक दिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो लोग सब मुकर जाते हैं, बहुत तेज लोग हैं, कोई नहीं मानेगा। इस बार नहीं जोया, इस बार जुनैद तुम्हारा कहा। बस इंतजार में हूं कि तुम कब अदनान को छोड़ो और मेरी तरफ आओ। फिकर नहीं करो, अदनान आओ और तुम इन। सच? देखते हैं। जोया? कौन जोया? ये अदनान की वाइफ है, और ये कर क्या रही है? ओहो, डोंट वरी, एक तरह से हमारे लिए अच्छा हो गया, सबको पता चल गया तो जुनैद इज बैक। इससे जहां फायदा हुआ है ना, वहां नुकसान भी हुआ। क्या मतलब? इस न्यूज़ में लड़की देख रही हो, पता है वो कौन? जोया। ओके, तो अब जुनैद तुम हर चीज के लिए अपने आप को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना? हाँ, लेकिन मैं किसी के लिए बदनामी का सबब बनकर मशहूर नहीं होना चाहता, और तुम लोगों के लिए तो छोटी सी बात होगी, बेचारी की जिंदगी में कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके लिए क्या करूं? लिसन, कुछ भी करके इस खबर को रोको यार। ओके, मैं इस खबर को रोक दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस में कि अब से तुम सिर्फ अपने ऊपर और अपने काम पे ध्यान दोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे। जी जरूर, पर आप प्लीज कुछ भी करके इस खबर को रुकवाइए। गिव मी अ हाई फाइव ऑन दैट। यू कुड बी अ लिटिल बिट मोर चीयर देन दैट। यस प्लीज स्टॉप द न्यूज़ प्लीज। फाइव। फोन बंद कर दिया खबीस ने, बैठ गया होगा अपने दोस्तों में आवारागर्दी करने के लिए। अरे आप बैठ जाएं, आ जाएगा। कब? जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तब आएगा ना वो। तुम तो इस सोफे के साथ चिपक के बैठ जाओ, उसे फोन करो, बात जोया के घर तक पहुंच गई है। मैंने तो मना किया था ना कि मत ले जाएं उसको साथ। सनम को फोन करो,
और पूछो कि वहां क्या चल रहा है। अरे क्या करेगी वो इस वक्त? वो पूछो उससे, अपने ससुर को संभाले वो, कहीं वो जोया जोया करता इधर ही ना आ जाए। अच्छा करती हूँ। अरे फोन करो उसे, मैं कह रहा हूँ। अरे फोन दोगे तो करूंगी। ले लो। बन जा रहा है उसका। वाह, ये है तुम्हारी बेटी, हमें मुश्किल में अकेला छोड़ के खुद आराम से सो रही है। मुझसे पहले वो तुम्हारी बेटी है, चालबाजियों में भी तुम पर गई है, मुंह ढक के सो गई होगी। अपना मुंह बंद रखो और उससे अदनान को फोन करो और पता करो उसके जुआ उसे मिली कि नहीं। हाँ अनुषे, मैं सर बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपनी वाइफ को ढूंढने में बहुत बिजी हो। क्या, कहाँ मिली तुम्हें वो? वो इस वक्त फूड कोर्ट में बैठी है मेरे सामने। इसको वहीं पे पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूँ, जाने मत देना उसको। अदनान मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, अपनी क्या तुम्हारी बीवी का पीछा करती फिरूं? खुद आगे देख लो अपनी बीवी को। देखो आई नो कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कोई। अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कहीं और चलते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। एक सेकेंड ना। यहाँ पर क्यों लेकर आई? यार वहाँ सब लोग तुम्हें देख रहे थे, सब जानने लगे हैं तुम्हें इस न्यूज़ के बाद। तुम क्या वापस चले जाओगे इस मुखो के पास? मेरी बात का तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। ना नहीं करेगा, अब जुनेद तुम्हारा गवाह है, वो तुम्हारा साथ देगा। लेकिन एक बात कहूँ तुम्हें, देखो पहले कि तुम्हारे बाबा को किसी और के थ्रू ये बात पता चले तो ये बात उनको बता दो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बात भी मानते हैं। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं है, तुम नहीं जानती मैं किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। वो लोग मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मेरी तकलीफ का कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता। मैं करती हूँ तुम्हारा यकीन, मुझे पता है तुम्हारी परेशानी। एक काम करो मेरे घर चलो। हाँ आ जाओ। कोई बात नहीं, चलो चलो। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों छोड़ दो तुम्हारा हाथ? हमारी बेइज्जती करके इस तरह मजे से घूम रही हो ना, घर चलो तुम, बताता हूँ। तुम्हारी बीवी नहीं है ये। फिर कौन है मेरी बीवी? तुम हो, तुम्हें ले चलो अपने साथ पीछे ऑटो से। चलो इधर। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। नहीं जाओगी तुम? चलो नहीं जाओ, गाड़ी में बैठो तुम। पीछे हटो से, इसके पास मत आना, आइंदा गाड़ी के पास भी मत आना। लॉक खोलो, लॉक खोलो जल्दी, लॉक खोलो, लॉक लॉक खोलो, लॉक। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने आपको सलाम किया है। वालेकुम सलाम। आइए अख्तर साहब, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ रखिए। खैरियत? कितनी रात गए? मैं जोया को देखने आया। लेकिन बेटी से मिलने का ये वक्त तो मुनासिब नहीं है। आप दिन के वक्त आते, इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए थे। जब इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं तो आने पर पाबंदी क्यों है? एक घंटे से मैं जोया को फोन कर रहा हूं, उसका मोबाइल बंद जा रहा है, आप नहीं मिल रहे हैं। अदनान कहाँ है? अदनान सो रहा है, बल्कि दोनों सो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीवी न्यूज में जोया को, अदनान को और आप दोनों को देखा है, क्या आपने नहीं देखा? न्यूज? कौन सी न्यूज? आपको गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है,
अदनान कहाँ है, उसे बुलाइए आप। आखिर बात क्या है बताइए तो, हम बड़े हैं, हमारा जानना जरूरी है। आप सच जानना नहीं चाहते, जो कुछ मैंने देखा है क्या वो आपने नहीं देखा? मैं कहता हूँ बुलाइए अदनान को, जिसने मेरी बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी की है। अदनान तो घर पे नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि वो सो रहा है, आप झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जिस वक्त आपने पूछा था उस वक्त अदनान घर पे था, सो रहा था। उसके बाद कहाँ चले गए? वो जवान लोग हैं, आने जाने का खुद डिसाइड करते हैं, और आप जानते हैं कि मैं खुले ज़हन का आदमी हूँ। अदनान जहाँ भी गया उसे बुलाइए, मैं जोया से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आप तशरीफ रखिए, आपका अपना घर है। आप फोन कीजिए, जोया को फोन लगाओ। जोया का फोन बंद है, आप अदनान को फोन कीजिए। अदनान को फोन लगाओ प्लीज, उसे बताओ कि उनके ससुर आए हुए। जी जल्दी कीजिए। आप तशरीफ रखिए। जी मामा, मेरी बात गौर से सुनो। जोया मिल गई है, मैं लेकर आ रहा हूँ उसको। बात तो सुनो मेरी। हेलो हेलो, फोन ही बंद हो गया। ओ बंद। आ रहा है। नहीं, इतनी सी बात है, वो आ रहे हैं। आने दीजिए। चलो चलो, मुझे अपने आशिक से पिटवाया थी, आशिक से पिटवाया मुझे, बताता हूँ। चलो जा, चलो जा। तुम इतनी लाइक हो, तुम इतनी लाइक हो, घर में रखा जाए तुम्हें? क्या जेब मत पड़ी, मेरी बेटी को मार रही। बस ये सब कुछ बाकी था। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं। अरे मेरा बेटा, अरे अभी मैं जिंदा हूँ, कोई मेरी बेटी को हाथ लगा सकता है? मेरा बेटा, मेरा बेटा, नहीं नहीं मेरा बेटा, आ जाओ, आ जाओ।